नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। नागालैंड सरकार की कैबिनेट ने कुत्तों के मांस पर व्यवसायी आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही प्रदेश में कुत्तों के बाजारों को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है। नागालैंड के मुख्य सचिव तेमजन टॉय ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, राज्य सरकार ने कुत्तों के बाजार और कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कुत्ते के कच्चे और पके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले इस साल मोर्चे में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम ने पशुओं की स्टॉलरिंग यानी वध के लिए उपयुक्त जानवरों की परिभाषा से कुत्तों को हटाने से जुड़े कानून में संशोधन किया था। इसके बाद अब नागालैंड सरकार ने यह कदम उठाया है। दरअसल नागालैंड और मिजोरम में कुत्ते का मांस बेचने का यह मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने नागालैंड सरकार से तत्काल कार्रवाई करने के लिए गुरुवार को अपील की थी, जिसके बाद से ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। नागालैंड में कुत्तों की मांस की बिक्री, तस्करी और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी प्रबंधक वर्णिका सिंह ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को तत्काल कार्रवाई के लिए एक पत्र लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, हमने नागालैंड के दीमापुर में पशु बाजारों की हालिया तस्वीरों को देखा है, जिसके कारण हमें एक बार फिर से आघात पहुँचा है। अवैध व्यापार के लिए बोरियों में बांधकर इस वेट मार्केट में लाए गए कुत्तों को भयानक परिस्थितियों रखा जा रहा है, जो देखा जा सकता है। पशु संरक्षण के काम में जुटे इस संगठन का कहना था कि नागालैंड में कुत्ते के मांस का व्यापार पूरी तरह से अवैध है। भारतीय दंड संहिता 1860 जैसे विभिन्न कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है। वही ऑर्गेनाइजेशन की माने तो कुत्तों को पकड़ना, उनका मांस खाना कई बुरे लोगों के लिए रेबीज जैसी बीमारी का जोखिम पैदा कर देता है, क्योंकि ये रोग न केवल कुत्ते के काटने से फैल सकता है बल्कि संक्रमित मांस को छूने और खाने से भी फैल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।